हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 4 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी आज की डिस्कशन की तरफ। आज सबसे पहले जो आर्टिकल है, जो न्यूज डिस्कस हम करने वाले आए हैं, वो आई है बेसिकली किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसका इंडिया से क्या रिलेवेंट है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो, इसके बारे में जान इस स्कीम के बारे में जानने से पहले हम एक वर्ड जानते हैं यहाँ पे, वो आएगा कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, मतलब विवादित डायमंड। आप एक तरीके से ऐसे इसको समझ सकते हो। देखो, आपको जैसे पता है कि मैक्सिमम जो डायमंड है, जो रो डायमंड है, कच्चे डायमंड आप जिनको बोल सकते हो, वो बेसिकली अफ्रीका में काफी ज्यादा मिलते हैं। मतलब अफ्रीका में रो डायमंड काफी ज्यादा मिलता है और वहीं से अदर कंट्रीज में आप बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर अहमदाबाद में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और फिर इंडिया में उनको फिनिशिंग दी जाती है और इसके बाद में उनको वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में बेसिकली बेचा जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड वो है जो कि बेसिकली वहां पे काफी विवादित थे, या एक तरीके से आप वो ये बोल सकते हो कि जो अफ्रीका के अंदर वहां की गवर्नमेंट हो, जो वहां के रिबल्स हैं, उनके बीच में जिन डायमंड्स को लेकर विवाद था, उनको कॉन्फ्लिक्ट डायमंड कहा गया है। अब देखो, जो विवादित डायमंड थे उनकी बेसिकली अदर कंट्रीज में अगर उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा था तो काफी विवाद हो गया था इस चीज पे, और इसके लिए स्कीम लाई गई थी जिसका नाम है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। मतलब इस प्रोसेस में सर्टिफिकेशन मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के बाद ही उन डायमंड्स को बेसिकली सेल है वो किया जाएगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है वो किसके लिए, यानी कि केपीसीएस स्कीम है वो है किसके लिए। ये बेसिकली 2003 में स्कीम है वो लाई गई थी ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड है, जो भी विवादित डायमंड है, वो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में एक तरीके से मेन धारा में आप बोल सकते हो कि सही तरीके से जो डायमंड आते हैं उनके बीच में खिस्सा ना बन जाए। और इसके तहत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसमें रिजोल्यूशन भी आया था जिसका नाम है बेसिकली सॉरी जो रिजोल्यूशन था वो आया था 55/56, मतलब 56 कंट्रीज में से 55 कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई है वो किया था। और इसके साथ ही यहाँ पे एक रिपोर्ट थी वो भी आपको ध्यान रखने, वो है फॉलर रिपोर्ट। तो फॉलर रिपोर्ट की अनुमति आप ये बोल सकते हो कि फॉलर रिपोर्ट के आने के बाद ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन पास हुआ और उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड थे इनको बेसिकली मेन धारा से हटाने के लिए किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम वो लगी कि जो डायमंड अफ्रीका से बाहर आ रहे हैं उनको किम्बरले प्रोसेस के तहत सर्टिफाइड किया जाएगा, वही डायमंड इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जा सकते हैं, ना कि विवादित। अब बात यह है कि किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है इसकी बेसिकली इंडिया में मीटिंग होने वाली है, इंडिया में इसकी चेयरपर्सन है वो इस बार ली जा रही है। तो 1 जनवरी को इंडिया के अंदर इसकी मीटिंग होने वाली है, फिर इंडिया इसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन के तौर पे काम है वो करने वाला है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि जो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है वो बेसिकली इंडिया में इस बार होस्ट होगी 1 जनवरी 2019 को। और ये ध्यान रखना है कि किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अफ्रीका के साथ डायरेक्टली लिंक है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के बारे में। तो क्या है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, बेसिकली जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसको ही फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम पे जाना जाता है, मतलब उत्सव का उत्सव। तो वो को क्या है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये बेसिकली नागालैंड का जो फॉर्मेशन डे है उसके मौके पे आयोजित किया जा रहा है। इस बार नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा वहां पे। तो यह ध्यान में रखना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, मतलब उत्सवों का उत्सव भी कहा किसको जाता है, ये भी यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे कि आपको पता है कि नारकोंडम हॉर्नबिल बेसिकली एक स्पेसीज होती है पक्षी की जो कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में पाया जाता है। इसके साथ ही जो नारकोंडम हॉर्नबिल है, मेन जो नारकोंडम हॉर्नबिल, वो बेसिकली अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है नारकोंडम, वहां पे पाया जाता है। वैसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि हॉर्नबिल की स्पीसीज होती है अलग अलग और उसमें जो नारकोंडम हॉर्नबिल होता है वो एक तरीके से इंडेमिक स्पीसीज है जो बेसिकली पाई जाती है अंडमान निकोबार के पास, एक नारकोंडम आइलैंड है वहां पे। और बाकी जो हॉर्नबिल है वो अलग अलग स्टेट में ही पाए जाते हैं, पर इंडिया में मैक्सिमम जो हॉर्नबिल है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में पाए जाते हैं और नागालैंड का यह स्टेट बर्ड भी है। तो यह हमें ध्यान में रखना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अब होगा क्या इसमें, इसमें होगा ये कि जो नागा है या आप बोल सकते हो कि वहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाली हैं और जो भी उनके बेसिकली वहाँ पे हेरिटेज है, ट्रेडिशंस है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए प्रदर्शनी लगेंगी, एक तरीके से उनको प्रमोट किया जाएगा और वहाँ के कल्चर के बारे में लोगों को अवेयर है वो करवाया जाएगा। इसके साथ ही आपको पता है कि गवर्नमेंट ने काफी सारे अभियान भी चला रखे हैं नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने एक हेरिटेज प्रोग्राम भी चलाया था जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा सभी स्टेट को ताकि वो इंटरकनेक्ट हो और एक तरीके से जो भी प्रदर्शन लगे उसमें शामिल हो और इंडिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक तरीके से प्रमोट है वो कर सके। अब हम जानते हैं
कि नागालैंड है वो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे के नाम से भी जाना सकता है। तो यूपीएससी ये फैक्ट भी पूछ सकती है कि साउथ ईस्ट एशिया का एक तरह से गेटवे कौन सा है, मणिपुर या फिर आपको बोल सकते हैं मिजोरम या फिर आपको आसाम या फिर यहाँ पे एक तरह से ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि भाई नागालैंड है वो बेसिकली यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये फेस्टिवल? यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, इसके साथ ही यूनियन गवर्नमेंट है उसकी हेल्प से। तो यह हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है RPAS यानी कि रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम्स। देखो बेसिकली आपको बताऊं, आपको ध्यान होगा कि अभी अगस्त जो महीना गया था उस अगस्त महीने में बेसिकली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बेसिकली कुछ गाइडलाइंस जारी की थी ताकि हमारे देश में जो ड्रोन है इनको रेगुलेट किया जा सके। मतलब कहीं ना कहीं जो ड्रोन्स हैं इनको उड़ाने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई थी वो की गई थी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी एरियाज में उड़ाना है। तो अभी उनको अमली जामा पहनाने के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या, इस प्लेटफॉर्म में बेसिकली जो ड्रोन्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनके पायलट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और जो ऑपरेटर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ऑनलाइन परमिशन है, ये काम किए जाएंगे। अगस्त में हुई थी सिर्फ सिर्फ घोषणा और अभी क्या हो रहा है, उनको अमली जामा या उनको रियल फॉर्म में इम्प्लीमेंट है वो किया जा रहा है और उसके लिए बेसिकली डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च है वो किया गया। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड वगैरह है, तो हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ ही जैसा आपको बताऊं कि जो ड्रोन्स वगैरह हैं उनके पायलट हैं इनको बेसिकली एक दूसरा नाम दिया गया यहाँ पे, वो है रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम। मतलब रिमोट पायलट की रिमोटली उनको पायलट के तौर पे एक तरीके से ड्रोन उड़ाया है वो जाएगा, तो वो क्या है यहाँ पे ड्रोन। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम या RPAS रिसेंटली न्यूज में था किससे रिलेटेड है, ड्रोन को रेगुलेट करने से रिलेटेड है या फिर फ्लाइट्स को रेगुलेट करने से रिलेटेड है। तो ध्यान में रखना है कि ड्रोन की सेफ गाइडलाइंस है या फिर उनको कहाँ कहाँ उड़ाना है उसके लिए बेसिकली गाइडलाइन जारी की गई है और उनके लिए कुछ रूल वगैरह भी हैं। अब हम बात करें देखो कुछ परमिशंस वगैरह की, कहाँ कहाँ पे जो ड्रोन है उनको उड़ाया जा सकता है। तो बेसिकली तीन जोन डिसाइड किए गए हैं यहाँ पे, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। ग्रीन जोन वो एरिया है जहाँ पे बेसिकली आप ड्रोन को उड़ा सकते हो पोर्टल की हेल्प से आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके। येलो जोन वो है कि जहाँ पे आपको जब भी उड़ाना हो तो पहले परमिशन लेनी होगी कि हाँ भाई अब हम यहाँ पे उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि देखो कोई एरिया ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत सेंसिटिव हो तो वो बेसिकली येलो जोन में काउंट वो होता है। रेड जोन वाला एरिया वो होता है कि जहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, जैसे कि बात करें हम एयरपोर्ट या फिर जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का बोल सकते हो या फिर देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहाँ पे, जैसे कि बॉर्डर के पास वाले एरियाज वहाँ पे, तो उनके लिए रेड जोन बनाए गए हैं। और अगर बाकी जो एकदम खाली स्पेस है कहीं भी जो खाली एरिया है उसको बेसिकली ग्रीन जोन में काउंट किया गया है। तो ये तीन एरियाज रखे गए हैं जहाँ पे बेसिकली हम ड्रोन्स को उड़ा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस वगैरह और अभी प्लेटफॉर्म लॉन्च है वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है G20 समिट को लेके। देखो अभी आपको बताया कि रिसेंटली G20 का समिट है वो हुआ था, आप ये बताइए कि अभी रिसेंटली G20 कौन सा समिट है वो हुआ था। अब बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 2022 में जो G20 का समिट होने वाला है वो इंडिया होस्ट करने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया इसको होस्ट है वो कर रहा है। 2022 में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेके आ रही है मैक्सिमम उनका टारगेट भी 2022 तक रख रही है, जैसे कि किसानों की इनकम है उसको डबल करना है तो वो टारगेट भी 2022 तक के रखा गया। तो ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो 2022 में हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और उसी मौके पे सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ अच्छे काम है वो किया जा सके या फिर इंडिया को एक तरीके से ब्रांड के तौर पर सामने लाया जा सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने प्लान किया है कि भाई 2022 का जो समिट है G20 का वो इंडिया होस्ट है वो करेगा। अब हम बात करें G20 के बारे में। देखो G20 है वो बेसिकली 1999 में इसको बनाया गया था, जो आपको पता है कि 1999 से पहले एशिया में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, उन एशिया में नहीं यूरोप में और बाकी एरियाज में भी हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी अदर कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की, और इसीलिए G20 को बेसिकली बनाया गया था। अब हम बात करें G20 के कुछ फैक्ट के बारे में, तो इसमें बेसिकली जो एडवांस आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियल नेशंस हैं जो कि एक तरह से आगे ग्रो कर रहे हैं वो कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसमें 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, मतलब टोटल इसके 20 मेंबर हैं। अब यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं वो सारे इसके मेंबर हैं और इसके साथ ही जो 19 कंट्रीज हैं और उसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। तो देखो हमें सारी 20 की 20 कंट्रीज हैं वो हमें यहाँ पे याद नहीं रखनी है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी इसमें से कौन कौन है, कौन कौन सी में हिस्सा नहीं है। चाइना इसका मेंबर है, यह हमें ध्यान में रखना है। बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आपको पता है इसका मेंबर नहीं है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना ही इसका मेंबर है वो यहाँ पे बांग्लादेश है, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हमें हमारे पड़ोसी देशों के बारे में पता होना चाहिए कि श्रीलंका है या नहीं है। हम बात करें कि साउथ एशिया के अंदर बेसिकली इंडिया इसका मेंबर है, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है।
G20 है वो ग्रुप बेसिकली हम बात करें देखो ऑल ओवर वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड होता है उसमें लगभग 80% ट्रेड को एक तरीके से रिप्रेजेंट है वो करता है, मतलब वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड होता है उसका 80% ट्रेड है वो G20 कंट्रीज के बीच में होता है। इसके साथ ही जो वर्ल्ड की ऑल ओवर GDP है उस GDP का 85% हिस्सा है वो G20 कंट्रीज है वो सबमिट एक तरीके से वहन करती हैं। या आप बोल सकते हो कि जो वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 65% जो पॉपुलेशन है उसको G20 अकेले रिप्रेजेंट करता है। मतलब इनका तीनों स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि G20 एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इसकी काफी ज्यादा वैल्यू है वो बनी हुई है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना कि कौन कौन इसके मेंबर है और इंडेक्स का कहाँ बनने वाला है। अब देखो ये पता चल गया हमें यहाँ पे कि इंडिया इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ना ही इसका मेंबर अफगानिस्तान है, ना ही इसका मेंबर नेपाल है, ना ही मेंबर भूटान है, ना ही एक तरीके से हमारे पड़ोसी कंट्रीज में से कोई मेंबर इसका नहीं है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी की बार क्या पूछती है, जैसे पूछ लेगी कि सार्क और यहाँ पे पूछ लेगी सार्क और इसी के साथ ही पूछ लेगी कि आपको G20 में से कौन से मेंबर है वो कॉमन है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई सार्क के मेंबर कौन से हैं, G20 में उनमें कौन कौन से नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है सीमोन के बारे में। देखो सीमोन है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट है जो बनाया गया है यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस के द्वारा। देखो यूरोप की एक एरोस्पेस कंपनी एयरबस, उसके द्वारा बेसिकली इस रोबोट को बनाया गया है सीमोन को। और ये बेसिकली बनाया किसके हाथ पे गया, ये बनाया गया है जर्मन स्पेस एजेंसी, मतलब जर्मनी की जो स्पेस एजेंसी है उसके आधार पे बेसिकली यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी है एयरबस, उसके द्वारा सीमोन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट है वो बनाया गया। कुछ इस तरीके का रोबोट है वो दिखता है। कंटेक्स्ट अभी ये आया है कि जो स्पेस एक्स जो कंपनी है उसने अपना एक ड्रैगन कार्गो कैप्सूल है उसकी हेल्प से सीमोन जो रोबोट है इसको अंतरिक्ष के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है 2 दिन की ट्रिप के ऊपर। तो यह ध्यान में रखना है कि भी सीमोन के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है क्या, किसने बनाया है, नासा ने बनाया है वगैरह, किसका मिशन है, नहीं ये स्पेस एक्स का मिशन है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। देखो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बेसिकली इंडिया और रशिया दोनों के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप है वो की गई थी। इसका नाम इस तरीके से रखा गया है ब्रह्म और मोस। ब्रह्म का मतलब देखो यहाँ पे इंडिया की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके आधार पे, और मोस का मतलब है यहाँ पे मॉस्को रिवर। मॉस्को रिवर है वो रशिया की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, तो उन दोनों के आधार पे इसका नाम ब्रह्मोस है वो रखा गया है। और यह एक तरीके की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जो कि अपनी इस टाइप की एक अपने आप में एक बहुत अनोखी मिसाइल है। इसकी रेंज है वो लगभग 290-300 किलोमीटर की रेंज है वो इसकी है। इसके साथ ही है एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, यूपीएससी से पूछ सकती है। ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन। अब एक बात थोड़ा रिवाइज है वो कर लेते हैं। आज सबसे पहले हमने किम्बर्ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में जाना कि इंडिया इसकी चेयरपर्सन या इंडिया इसकी अध्यक्षता करने वाला है 2019 के सेशन में। इसके साथ ही हमने कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के बारे में जाना और जाना कि इंडिया KPS का मेंबर है बेसिकली। इसके साथ ही हमने फेस्टिवल्स और फेस्टिवल के बारे में जाना कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का उसको उत्सवों का उत्सव भी कहते हैं और वो भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्योंकि नागालैंड का फॉर्मेशन डे था इसी मौके पर उसको आयोजित है वो किया गया 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। इसके साथ ही हमने रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम के बारे में जाना। कंटेक्स्ट यह था कि अभी गवर्नमेंट ने जो रिमोट पायलट्स या बोल सकते हो कि ड्रोन है उनके लिए एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन उनको ऑपरेट वगैरह करने की गाइडलाइंस वगैरह दी गई है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके साथ ही हमने जाना कि कौन से एरियाज में ड्रोन को उड़ाना है उसके लिए क्या गाइडलाइंस रखी गई है। हमने जाना कि G20 का सबमिट है वो 2022 का सेशन है वो इंडिया होस्ट करने वाला है 75वीं वर्षगांठ के आधार पे। और इसके साथ ही हमने G20 के बारे में जाना कि कौन कौन कंट्रीज के मेंबर हैं। इसके साथ ही हमने सीमोन के बारे में जाना जो कि यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस है उसके द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे जाना ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जो कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो कि रशिया और इंडिया के द्वारा जॉइंटली डेवलप की गई है। रेंज है इसकी 290 किलोमीटर के आसपास। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।